पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर गुरुवार को एमडीए बोर्ड की 136वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुरादाबाद के सुयोजित विकास का खाका तैयार किया गया, विकास को गति देने का भी कार्य हुआ। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह द्वारा मुरादाबाद में दिल्ली रोड और लाकड़ी बाईपास पर दो अलग अलग टाउनशिप बसाने पर सहमति बनाने के साथ साथ जल्द ही कार्रवाई शुरू किए जाने की बात कही। आयोजित इस बोर्ड की बैठक में कई नए प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, तो वहीं इंडस्ट्रीज एरिया में भी भूमि की उपलब्धता का ऐलान किया गया। आज की इस 136वीं बोर्ड बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, महायोजना पर भी जानकारी दी गई। बैठक संपन्न हो जाने के बाद मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह द्वारा जानकारी देते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। तो वहीं प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि आज की हमारी ये बोर्ड की बैठक सफल रही और मुरादाबाद के लिए खुशी की बात है। अब मुरादाबाद में और भी तेजी के साथ विकास को गति दी जा सकेगी। आज बोर्ड की जो बैठक हुई है वो बेसिकली तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो जो मास्टर प्लान हमने इसके पहले भेजा था शासन में, शासकीय समिति के कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे, उन ऑब्जर्वेशंस पे एक एक बिंदु पर बोर्ड ने विचार किया और जितने सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके अनुसार अनुरूप उस पर विचार करके उसका निराकरण कर दिया है और निराकरण करने के पश्चात उसको हम वापस भेज रहे हैं। इस उम्मीद के साथ हम शीघ्रता से उसको भेज रहे हैं क्योंकि गजरौला का मास्टर प्लान अप्रूव हो गया है। हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई है कि गजरौला में इन्वेस्टमेंट रुका हुआ था, उससे इन्वेस्टमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। यही उम्मीद हम करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसका मुरादाबाद का मास्टर प्लान भी अप्रूव करा लेंगे, जिससे और ज़्यादा हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले आ पाएंगे। तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था। दूसरा, दो क्षेत्रों में एक जगह हम मिक्स प्लानिंग कर रहे हैं, जो चक फैजुल्लापुर है, लाकड़ी फाजलपुर है, वो वाला एरिया, वहाँ पर जो जिलाधिकारी है उनसे रेट डिक्लेयर कराया जा चुका है और बहुत सारे किसानों ने सहमत दे दी है, अब उसकी रजिस्ट्री का काम शुरू होगा। दूसरा जो एरिया है वो आपको पहले से पता है, उसमें हम लोग प्राधिकरण के द्वारा वहाँ पर टाउनशिप डेवलप की जाएगी और जिसमें बहुत सारी सुविधाओं के साथ एक एक स्पेसिफिक, चाहे वो एजुकेशन से लेकर हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसमें भी रेट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे किसानों की सहमति आ चुकी है उसमें, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, उसका भी बोर्ड ने अनुमोदन दे दिया है। जो तीसरा कार्य हुआ है, अंबेडकर पार्क बहुत अच्छा बना है, अंबेडकर उद्यान, उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, उसमें कुछ और सुविधाएँ बढ़ाने के लिए बोर्ड ने सहमत दी है तो उसको भी हमने ले लिया है। और बाकी जो प्लानिंग थी प्राधिकरण की, उन सारी जो ये मेन मुख्य बातें ये थी इसमें, बाकी सारी चीज़ें भी हम डेवलपमेंट के पर्पस से बोर्ड ने ये तय किया है कि उसको हम तेज़ी से आगे बढ़ाएं ताकि मुरादाबाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं विकसित कर सकें। उसमें जो प्लानिंग का पार्ट है उसमें यही है, चीज़ों को टारगेट किया जिससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसके लिए मैंने सजेस्ट किया था और वीसी साहब ने उसमें इंटरवेंशन किया है कि जहाँ पर लोग ज़्यादा परेशान हैं, किसी वजह से वहाँ पे फंड की उपलब्धता नहीं है, वहाँ प्राधिकरण अपनी दखलंदाजी, मतलब अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ वहाँ पे आगे बढ़ रहा है और उसमें जो कई सारे कार्य उसमें लिए गए हैं और स्थापना के उसमें जो हनुमान मूर्ति तिराहा है वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसका सर्वे किया गया है, उसकी रोड को हम ठीक करेंगे ताकि फर्दर एक्सीडेंट ना होने पावे। इसके अलावा नालों का एक प्रकरण एकता विहार का था, उसको भी एक फेज़ हो गया, दूसरे फेज़ में भी पैसा रखा गया है ताकि उसको ठीक कर सकें। कई सारी रोड्स हम ले रहे हैं, जो तीन चार जगहें ऐसी हैं, जैसे रामपुर दुराहा है वहाँ पर कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता थी, कहीं लाइट की, कहीं रोड की, उन सारी व्यवस्थाओं को भी हम ले रहे हैं और सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। और इसके साथ ही चिल्ड्रेन पार्क से लेकर जो सर्कुलेशन रोड्स हैं जो अभी नहीं बनी है, सर्कुलर रोड्स, उनको भी हम इसमें और स्थापना मद में इस बार हमने ले लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, लोगों को एक बेहतर शहर दे पाएंगे। और समस्याओं को अभी भी हम काउंट कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की दिक्कतें हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी उसमें शामिल हैं, जैसे संभल गेट का फ्लाईओवर है उसके नीचे की जो प्रॉब्लम है, वेंडिंग जोन क्रिएट करना है, इन सब पे भी हम अवस्थापना में हमने इसको लिया है।